Subscribe under 24-7 and press the bell icon. स्टूडेंट्स मैं राधे नहीं 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 जिस नाम से आप मेरे को जानते हैं राधे की रीजनिंग लगातार दस साल से मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसमें चार साल से ऑनलाइन लाइव क्लासेस में राधे की रीजनिंग में हजारों बच्चों ने अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया और अपने एग्जाम क्लियर किया तो अब मैं आ रहा हूं अड्डा टू फोर पर सुपर एजुकेटर के रूप में राधे की रीजनिंग पैसे लेकर राधे की रीजनिंग सुपर एजुकेटर ऑन अड्डा टू फोर सेवन हेलो गाइस तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर तो आज जो हम डिस्कस करेंगे गाइस वो 10 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे तो एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइएगा और लिंक को कॉपी करके जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से और एक बार जल्दी से फटाफट कनेक्ट होंगे सभी लोग तो गाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी को मेरी तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग राम राम नमस्ते राधे राधे तो एक बार जल्दी से कनेक्ट होंगे नेहा कुमारी प्रियंका जी मीनू जी मालती देवी नेहा कुमारी और सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से एक बार बिल्कुल भी और अनुज कुमार जी जय हिंद बिल्कुल एक बार तो गाइज कनेक्ट होंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन क्या होगा आज का हमारा उसको हम एक बार देखते हैं कंप्यूटर जी स्क्रीन पर एक बार जल्दी से लगा दिया जाए

तो देखिएगा गाइज जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं डेली ये सेशन हमारा कितने बजे होता है सुबह सात बजे होता है मंडे टू सैटरडे कितने बजे सात बजे होता है डेली सुबह ध्यान रखिएगा आज अगर मैं बात करूं तो गाइज स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट आप लोगों के लिए होती है तो आज की मोटिवेशन कोट क्या है जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी झोंक दे खुद को इस आग में यही आग तुझे हीरा बनाएगी मतलब जो लोग आज उठते हुए घबरा रहे ना कि सात बजे क्लास है और आज उठेंगे नहीं कल देखेंगे परसों देखेंगे या बाद में देखेंगे

जो सेशन होगा वो कैसा होगा सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आज के टॉप टेन एमसीक्यू जो आपके टॉप टेन एमसीक्यू होंगे करंट अफेयर पे बेस्ड जो दस क्वेश्चन होंगे सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा उनको उसके बाद पढ़ेंगे हम आपकी न्यूज को जितनी भी मतलब आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है आज की उन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और उसके बाद क्या होगा सीए का महासंग्राम जिसमें होगा स्टैटिक अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर जितना भी हमने आज तक पढ़ा है तो गाई ये हमारा सेशन होगा और एंड में होगा आप लोगों के लिए क्या होमवर्क जैसा कि कल मैंने होमवर्क दिया था कुछ लोगों ने आंसर किया केवल चार पांच लोग थे जिन्होंने आंसर किया था लेकिन सभी ने आंसर नहीं किया गाइज इस चीज को ध्यान रखना है मतलब क्या हो रहा है कि आप चीजों को देख ही नहीं रहे हो समझ ही नहीं रहो एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाता है तो उसका आंसर करना तो बनता है ना तो गाई चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जल्दी से एक बार

डेफिनेटली यहां पर क्या आएगी चीजें समझ में आएंगी नहीं कोई चीज समझ में आती है तो गाइज उसके लिए कमेंट करिएगा बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख रहा हूं कृष्णा चौबे जी गुड मॉर्निंग और क्रिस जी गुड मॉर्निंग आपको आपको भी भी एक बार रामराज और क्या कहते हैं अनुज गुड मॉर्निंग तो सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो कि पहला था कौन से आपके जो न्यूज है उसने अपने प्रिंट वेंचर को स्टॉप करने का फैसला लिया है पूरी तरह से वो क्या हो रहा है डिजिटली हो रहा है तो गाइज वो आपका डीएनए है मतलब आपका डेली

वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष जो है आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है तो गाइस अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिएगा आज जैसा कि मैंने आपको बताया 10 अक्टूबर है तो आज ही के दिन हमारा क्या मनाया जाता है मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है कल की गाइस मैं बात कर लेता हूं 9 अक्टूबर की तो 9 अक्टूबर को हमारा क्या था वर्ल्ड पोस्ट डे इसको भी हम क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे हमारा क्या था वर्ल्ड पोस्ट डे था कब 9 अक्टूबर को गाइस 8 अक्टूबर को सब लोगों को पता है 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया था हमारा इंडियन डे मनाया गया था एटी को भी ध्यान रखेंगे कौन सा सेशन था एटी था इस चीज को ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तो सभी लोगों के मालती दिग्विजय नेहा कुमारी सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं तो गाइस देखिएगा सभी लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे फट फटाफट से बिल्कुल रामराज का आंसर आया टू का सी बहुत अच्छे रामराज यहां पर गाइस अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि 11 अक्टूबर को क्या होता है तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है आपका कब 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है आपका 11 अक्टूबर को होता है लेकिन अगर नेशनल गर्ल चाइल्ड की बात आएगी तो वो कब होता है मुझे जल्दी से आप लोग बताएंगे फटाफट से आगे बात करते हैं इसके अलावा तो एक चीज देखो इंपोर्टेंट है यहां पर क्या कि अक्टूबर को आपका पहली बार क्या मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया गाइज वर्ल्ड कॉटन डे आपका कब मनाया गया सेवन अक्टूबर को मनाया गया इस चीज को भी हम क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे और आपका जो वर्ल्ड कॉटन डे था उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था गाइज उसको ऑर्गेनाइज किया था आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह बात भी काफी इंपोर्टेंट बन जाती है तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा थैंक यू नेहा कुमारी जी अगर चीजें समझ में आ रही है

आगे चलते हैं देखिएगा जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करंट अफेयर क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस ये ध्यान रखेंगे यूपीएसआई हो आपका टीचिंग एग्जाम हो नॉन टीचिंग एग्जाम हो सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है कंप्यूटर जी एक बार मुझे स्क्रीन से हटा दिया जाए तो गाइज देखिएगा ध्यान से यहां पर समझते हैं क्या कैबिनेट रिसेंटली द रिक्वायरमेंट ऑफ आधार कार्ड सीडेड डेटा टू एवेबल ऑफ द बेनिफिट ऑफ विच स्कीम हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड सीड डेटा की आवश्यकता को कम कर दिया

लोग थे तो उनके लिए क्या था जो नॉर्म्स थी जो रूल्स थे जो रेगुलेशन थे उनको क्या कर दिया गया थोड़ा सा कम कर दिया गया जैसे कि दिया है रखेंगे उस को. दूसरी चीज है तो आधार के जो सीईओ है, है? अजय भूषण पांडे हैं जो कि हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी भी है इस चीज को भी हम क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे तो यहां पर गाइज आपका जो आंसर बनेगा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना जिसके अंदर कितना दिया जाता है छह हजार रुपए दिया जाता है गाइस अब देखो दो तीन चीजें और आपको क्या कहते हैं यहां पे पूछी जा सकती है एक क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट यहां से बनेगा इंपोर्टेंट क्या बनेगा कि जो आपको क्या कहते हैं कि इसके लिए टोटल बजट कितना अलोकेट हुआ है तो गाइज इसके लिए जो टोटल बजट अलोकेट हुआ है डेट इज पिछहतर हजार करोड़ रुपए पिछहत्तर हजार करोड़ रुपए इसके लिए बजट अलोकेट हुआ है बहुत अच्छी बात है मोनिका सिंह जी दीपू जी बिल्कुल पीएम किसान तो यहां पर चीजें अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दे सेशन को देखिएगा लाइक बहुत कम है और लाइक भी बहुत कम है आप लोग इसको वीडियो को शेयर नहीं करते फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे एफर्ट जो है वो मतलब खराब जा रहे हैं तो देखिएगा इतना मतलब एक चीज आपको बताओ देखो इतनी

आधार की जो लिंकिंग डेट रख दी गई वो 30 नवंबर रख दी गई है और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कितना पिछहत्तर का पूरा फंड अलोकेट हुआ है पर ईयर मिलते हैं ध्यान ध्यान रखेंगे रखेंगे और फरवरी से क्या हुआ था? ये हुआ था था लागू तो चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार कर दीजिएगा फटाफट से लाइक एंड शेयर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है यूनियन कैबिनेट रिसेंटली इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी डिस्प्लेस्ड फैमिली इन कैबिनेट अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन पैकेज केंद्रीय मंडी मंडल हाल ही में निम्नलिखित मंत्रिमंडल में कितने विस्थापित परिवारों के पुनर्निवास पैकेज को शामिल करने की मंजूरी दी है गाइस देखिएगा दो तीन चीजें समझिएगा कि अगर मैं बात करूं तो आपका जो पीओके में रहने वाले थे मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे जो रहने वाले लोग थे मतलब कुछ बंटवारे के टाइम पर वहां चले गए थे लेकिन वो फिर वापस आ गए थे तो उनको गाइज फिर से मंजूरी मिल गई है तो कितनी डिस्प्लेस फैमिली को मंजूरी मिली है पर तो फैमिली को क्या मिली है मंजूरी मिली है जो पहले पीओके में चले गए थे और वापस से फिर आ गए थे वो तो ये क्या है मतलब जो फिफ्टी थ्री हंड्रेड थी विस्थापित परिवार थे उनको मंजूरी मिली है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ओके okay, कोई doubt अगर हो तो यहां से मुझे बता देंगे जल्दी से एक बार थैंक यू सो मच रामराज जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल आपका जो जिहाद अंसारी जी बिल्कुल ये आपका जो सीजीएल के लिए उसके लिए भी क्लास है देखो गाइज एक बात समझिएगा जब करंट अफेयर आएगी तो हर एग्जाम में पूछी जाती है करंट अफेयर लगभग 50 परसेंट तो वहां पर क्या होंगी आपकी जो चीजें होंगी गाइज उसमें क्या होगा आपका कि करंट अफेयर कोई भी कैसा भी हो वो आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ध्यान से समझिएगा आगे चलते हैं जल्दी से एक बार लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ गाइज यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड एडिशनल इंस्टॉलमेंट और हाउ मच परसेंट डियरनेस अलाउंस जिसको

आगे बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो क्वेश्चन में, 2019 में कौन से रहा है? तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे यूनाइटेड स्टेट स्विट्जरलैंड डेनमार्क या फिर सिंगापुर तो गाइज यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा डेट तो पर आंसर आ जाएगा सिंगापुर भारत की कितनी रैंक रही है तो गाइज इसमें भारत की रैंक रही है सिक्सटी एट

और बहुत ही शानदार इसको तो मैं कहता हूं मार्क कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये और डेफिनेटली पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर इस चीज को क्या रखेंगे रखेंगे थोड़ा सा ध्यान तो चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर करिएगा जल्दी से फटाफट से एक बार फटाफट से जल्दी से ओके बहुत अच्छे देखो राधा सिंह का आंसर आ गया यही तो होता है मतलब आप क्या आंसर करेंगे राधा सिंह बोल रही है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सर होता है चौबीस जनवरी को बहुत अच्छी बात है और कल को क्या है इंटरनेशनल ल गर्ल चाइल्ड डे है आपका तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे वो ग्यारह अक्टूबर को होता है बहुत अच्छे बिल्कुल आगे क्राइम ब्रांच तिवारी जी अभी दिखे नहीं कहीं पर लेकिन उनको राम राम और राधे राधे बिल्कुल हो रही है रामराज जी सेवन का सी बहुत अच्छे आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट में वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है तो गाइज कब था ये कल था आते ही मैंने आपको बताया है तो वर्ल्ड पोस्ट डे आपका कब अक्टूबर नाइन को ध्यान रखेंगे दूसरी चीज मैं आपको बता दूं तो आपको अगर ध्यान रखेंगे कि जब अक्टूबर के जब पूरा अक्टूबर खत्म हो जाएगा तो इसके सारे डेट को सारे डेज को मैं क्या एक साथ कंक्लूड करके आपको बता दूंगा अभी मैंने लास्ट टाइम आपको सेप्टेम्बर बताया था

you <laughs> क्या वो बी ऑप्शन होगा क्या सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा तो गाइज यहाँ पे एक बार जल्दी से नाम देख लेते हैं और आगे में इसको डिटेल में भी पढ़ाया था मैंने कल आपको तो यहां पर जो ऑप्शन था आपका अगर मैं बात करूं जेम्स पीवेल्स को 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 मिशेल मेयर आपका क्या मिला है इस बार का जो फिजिक्स में मिला है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्राइज की हाफ मनी है वो इनको मिलेगी जो मतलब प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा मतलब वन बाय जेम्स को मिलेगा वन बाय मिशेल को डीडीगर को कितना मिलेगा वन बाय

चलेंगे फटाफट से नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन तो देखिएगा केमिस्ट्री में पूछा है तो गाइज क्वेश्चन को क्या कर देते हैं अभी केमिस्ट्री में पूछा है तो देखो अगली जो न्यूज आएगी वो इसी से रिलेटेड आएगी तो उसमें हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं वाले को हालांकि आंसर आप लगा दोगे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं आपका जो आंसर तो वैसे बी बनेगा लेकिन यहां पर अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं तो अभी हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले तो गाइज यहां तक अगर चीजें समझ में आई है तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करिएगा देखिएगा साठ बच्चे देख रहे हैं इनको जल्दी से हंड्रेड प्लस करना है हमने फटाफट से कोई डाउट किसी

समझिएगा नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार तो गाइज इसको कौन देता है अगर आपसे पूछा जाए तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको क्या देती है हमें हमेशा अवार्ड देती है कौन अगर बात करूं केमिस्ट्री में कौन देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये किसको देती है ये हमेशा केमिस्ट्री के लिए देती है ध्यान है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा एक चीज और देखो ध्यान से रसायन शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को ऑफ स्वीडिस द्वारा अवार्ड दिया जाता है ध्यान रखिएगा तो इस अकेडमी का क्या रखेंगे हम नाम ध्यान रखेंगे दूसरा गाय पहला अवार्ड कब दिया गया था केमिस्ट्री में तो नाइनटीन में दिया गया था इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्या ध्यान रखेंगे कि पहला अवार्ड कब दिया गया था नाइनटीन

इसको रिप्रेजेंट करता है ध्यान रखिएगा तो कितना नाइन मिलियन के .E ये भी हम क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे यहां पर अगर चीजें ध्यान से समझ में आएगी तो बिल्कुल एक बार बता दीजिएगा यहां पर प्रियंका पांचाल जी लिखा है मिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर तो गाइस ये जो मैंने आपसे बात की ना ये मैंने जब नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था तब की बात की है अब हम अब की बात कर लेते हैं करंट की ये क्या था उसका स्टैटिक अवेयरनेस था और अब हम बात कर लेते हैं करंट की कि करंट में किसको मिला है तो गाइज देखिएगा जल्दी से एक बार ना शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा देखिए पीपीटी कितनी आसान मैंने बनाई है मेहनत से बनाई है फोटो वोटो सब ढूंढ के लगाए आप लोगों के लिए तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा और बात मेरी कही हुई समझ में आ जाए आपको तो शेयर भी कर देना

वो किस लिए मिला था तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए मिला था ध्यान रखेंगे इस चीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा ठीक है बिल्कुल अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो कोई डाउट अगर हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे एक बार फटाफट से आगे चलते हैं नेक्स्ट पर और सीए के महासंग्राम के लिए तैयार रहिएगा आज सीए के महासंग्राम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं ठीक है बात कर लेते हैं किसके एंटोनियो कोस्टा की एंटोनियो कोस्टा क्या बन गए फिर से प्रधानमंत्री बन गए कहा के पुर्तगाल के पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कह रहे देखो जीत गया मैं ठीक है मार ली मैंने बाजी ठीक है कर ली दुनिया मुठ्ठी में क्या कह रहे कौन कह रहे एंटोनियो कोस्टा कहते जीत गया मैं एट एनिको

जी बिल्कुल तो सेकंड क्लास स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास अभी प्रियांशी जी उसकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं और मंडे से मैं भी उसकी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा डोंट वरी स्टैटिक जीके की पूरी सीरीज में लेकर कह रहा हूं देखो उसी पे काम कर रहा हूं ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में मतलब मैं उस पर डेटा उसका तैयार कर रहा हूं और फिर बड़े अच्छे से मैं उसको आपके लिए लेकर के आऊंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे जाएगा वो सो डोंट वरी स्टैटिक अवेयरनेस की क्लास भी आप लोगों के लिए आएंगे बस क्या है देखो आप लोगों का क्या है आ, समर्थन मिलता रहना चाहिए आप लोगों से मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए फिर तो मैं ऐसी ऐसी चीजें कर दूं क्या कह दुनिया जीत जाएंगे हम टेंशन क्यों ले रहे हो दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहां पे पूछा जाएगा कि इस ओकेजन पर और क्या क्या हुआ था तो इस ओकेजन पे क्या हुआ था नेत्रहीनों के लिए मुख स्वास्थ्य शिक्षा पर एक ब्रेल पुस्तिका और वॉइस ओवर का विकल्प भी जारी किया है ध्यान से समझेंगे एक ब्रेल बुकलेट ठीक है जो नेत्रहीनों के लिए होती है नेत्रहीनों के लिए थी और वॉइस ओवर ऑन हेल्थ एजुकेशन फॉर विजुअली इंपेयर वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन द ओकेजन तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस पर और क्या क्या चीजें रिलीज हुई थी तो ब्रेल बुकलेट एक रिलीज हुई थी और आपकी वॉइस ओवर ऑन हेल्थ एजुकेशन फॉर विजुअल इंपेयर्ड वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन द ओकेजन तो गाय समझ में आई चीजें अगर चीजें समझ में आई तो बता दीजिएगा एक बार और जल्दी से कर दीजिएगा ठीक है बिल्कुल कीर्ति ठाकुर जी बताइएगा कौन सा दोबारा बताना है मुझे मैं बता दूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं है कौन सा दोबारा बताना है जल्दी से बता दें सुप्रभात आलोक प्रताप जी राधे जी राधा जी बिल्कुल बहुत अच्छे आप सही बता रहे हो संदीप जी बिल्कुल आपकी पहली क्लास है वेलकम संदीप सोनी जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट की बात तो देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की मैं बात करूं यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है ध्यान से समझिएगा ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं देखो फिर से समझिएगा इन्होंने कि लॉन्च किया है अब गाइज ये क्या होगा कि ये आपका उपकरण ऐसा उपकरण है जो लगभग दस बारह किलोमीटर से ही मतलब अगर मैं बात करूं जो कोस्ट है जो तट है उनके दस बारह किलोमीटर पहले ही आपको क्या बता देगा एक सावधान कर देगा चेतावनी दे देगा

के बता देता हूं क्या कि जेमिनी आपदा की चेतावनी संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र मत्स्य पालन समझते हो ना मछली वाला ठीक है और महासागर राज्यों के मछुआरों को पूर्वानुमान पर प्रभावी और प्रभावी आपातकालीन जानकारी और संचार का प्रसार करेगा मतलब क्या करेगा ये जेमिनी विल डेसिमेट सीमलेस एंड इफेक्टिव इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिजास्टर वार्निंग पोटेंशियल फिशिंग जोन एंड द ओशियन स्टेट फोरकास्ट टू फिशरमैन मतलब क्या करेगा कि जितने भी मत्स्य

लिया करना ये इस तारीख की पीडीएफ थी कोई डाउट होगा तो आप क्या होंगे उस क्लास को फटाफट देख सकते हैं बिल्कुल आगे अगर बात करेंगे नेक्स्ट में तो देखो चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से एक बार एट होम रिसेप्शन देखिएगा एट होम रिसेप्शन दिया बहुत अच्छी जानकारी है किसने Indian Air Force ने कहां पर नई दिल्ली में मोदी तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया था एक एग्जीबिशन भी लगी थी उसको भी विजिट किया था एग्जीबिशन का नाम क्या था एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स इनोवेशन डिस्प्ले इंडियन एयरफोर्स इनोवेशन डिस्प्ले एग्जीबिशन का नाम था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था विजिट किया था अब इसकी थीम क्या थी सेल्फ रिलायंस थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन थीम मतलब इसकी जो थीम थी वो क्या थी सेल्फ रिलायंस थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ठीक है तो इसमें क्या है नवाचार की और स्वदेशीकरण की जो इंडिजीनियस वर्ड होता है ना गाइज तो वहां से वर्ड वर्ड बना है इंडिजीनियस से आपका बना है तो यहां पर नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से स्वयं रिलायंस इस चीज को क्या रखेंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दूसरी चीज में बात करूं तो प्रधानमंत्री ने क्या किया था इस सब जब एग्जीबिशन को अटेंड किया था तो यहां पर जो एयर मार्शल हमारे रह चुके हैं अर्जन सिंह उनके नाम पर एक क्या किया

आज से स्टार्ट हो जाएगा ध्यान रखिएगा कब तक चलेगा 24 अक्टूबर तक चलेगा और कहां पर कंक्लूड होगा गाइस ये आईआईटी दिल्ली में कंक्लूड होगा इस चीज को हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा क्या कि प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम का नाम क्या है गाइस ध्रुव है कहां से स्टार्ट होगा इसरो बेंगलुरु से 10 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा आईआईटी दिल्ली में आके गाइस अगर मैं बात करूं आपसे इसरो की तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है बेंगलुरु में है इसरो के चेयरमैन कौन है के सिवान है इसरो कब बना था आपका 15 अगस्त 1969 को बना था ध्यान रखेंगे और इसरो के के जो चेयरमैन है सिवान इनकी मैं बात करूं तो इनको क्या मिला था थोड़े दिन पहले एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला था जिसको तमिलनाडु सरकार ने दिया था ध्यान रखेंगे और एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे भी आ रहा है फिफ्टीन अक्टूबर जो कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से जाना जाता है तो गाइज इसको ध्यान रखेंगे बिल्कुल चेयरमैन है बिल्कुल पंकज जी चेयरमैन है इसरो के चेयरमैन ठीक है तो यहां पर अगर कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा थैंक यू पूनम यादव जी और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दू शाम को सात बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मेरी रीजनिंग की क्लास होती है तो ध्यान रखेंगे उस चीज का भी आगे चलते हैं बात करते हैं किसके ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा कौन है ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर और नेचुरल गैस मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी इन्होंने क्या किया है एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है सेरेमनी कहां पर हुई देखिएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगोलिया में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजना का समर्थन करने के लिए निर्मित बुनियादी सुविधाओं को चालू करने के लिए समारोह में भाग लिया अब यहां से ना इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट क्या बनेगा यहां से जो इंपोर्टेंट बनेगा वो होमवर्क है आप लोगों का और मुझे कमेंट में चाहिए चाहिए देखिए ध्यान रखिएगा ठीक है जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान वो कहां से एमपी है सांसद कहां से है. पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूसरी चीज अगर मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे बता देंगे, और मंगोलिया के साथ भारत की आर्मी और आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है, मंगोलिया के साथ में मंगोलिया की क्या है? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के खत्म हो जाने के बाद में बहुत अच्छे ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो क्वेश्चन दिए वो है है ध्यान रखेंगे ठीक मेहनत करनी पड़ेगी गाइज बात करते फॉरन अफेयर मिनिस्टर की किसके थाईलैंड के फिर से समझिएगा एक होमवर्क फिर आ रहा है आप लोगों के लिए फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो थाईलैंड के हैं तो थाईलैंड के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर क्या नाम है गाइस डॉन बा प्रमोद डॉन प्रमोद तो ये डॉन है ठीक है ऐसा लग रहा है सुनने में लेकिन देखने में नहीं लग रहा ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूं नॉर्मली ये नई दिल्ली आए हैं तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है एस जयशंकर साहब है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ध्यान रखेंगे उस चीज को दूसरी चीज अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो नॉर्मली देखो एक चीज समझेंगे हम यहां पर कि जो थाईलैंड है अब थाईलैंड से भारत की एक्सरसाइज कौन सी है मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है यहां पर भी होमवर्क ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं लाया था कि इसमें से कुछ डेटा आपको होमवर्क दिया जाएगा

जिंगपिंग और अगर मैं बात करूं नॉर्मली आप लोगों से तो यहां पर ये यह क्या है दूसरी इनफॉर्मल जो अगर मैं बात करूं सबमिट के लिए आए हैं इंडिया चाइना की जो दूसरी इनफॉर्मल सबमिट होनी है कहां पर होनी है तमिलनाडु यहां पर दो चीजें इंपोर्टेंट बनती है क्या कि जो दूसरी इनफॉर्मल समिट है वो कहां पर होगी तमिलनाडु में कब होगी शुक्रवार को 11 अक्टूबर को मतलब कल होगी ध्यान रखिएगा डेट आपको याद नहीं करनी जस्ट बता रहा हूं दूसरी चीज भारत की चाइना से जो एक्सरसाइज है तो दोनों ने क्या मिला रखे हाथ मिला रखे तो चाइना से जो भारत की एक्सरसाइज है वो भी हैंड इन हैंड है ध्यान रखिएगा हैंड इन हैंड भारत की एक्सरसाइज है चाइना के साथ में ठीक है इस चीज को समझेंगे हम ध्यान रखिएगा देखिए छोड़ी नहीं रहे नरेंद्र मोदी जी का हाथ बिल्कुल तो आगे आपको यहां पर कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से

अक्टूबर को भारत में आ रहे हैं किंग और क्वीन ऑफ नीदरलैंड नीदरलैंड की कैपिटल एमस्टम अगर मैं बात करूं तो आपकी नीदरलैंड की कैपिटल है ठीक है तो यहां पर 14 अक्टूबर को किंग और क्वीन आ रहे हैं अब देखिएगा किंग का नाम क्या है किंग का नाम है विलियम विलियम एलेग्जेंडर और किंग किंग की की और King की जो क्वीन है उनका नाम क्या है मैक्सिमा मैक्सिमा ठीक है तो क्वीन मैक्सिमा और किंग क्या है विलियम एलेग्जेंडर है बस नाम याद रखेंगे दूसरा कुछ नहीं प्रधान जो हमारे राष्ट्रपति है महामही में हमारे रामनाथ कोविंद साहब उन्होंने क्या दिया था इन्विटेशन दिया था कब आ रहे हैं चौदह अक्टूबर को आ रहे हैं कहां के नीदरलैंड के नाम क्या है विलियम एलेक्सेंडर और मैक्सिमा। ये चीज हम दोनों ध्यान रखेंगे कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ गाइज अगला देखिएगा क्या है स्टूडेंट कार्निवल चल रहा है जैसा कि आपको पता है और इसके अंदर क्या है आपका 40 परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है सभी चीजों को लेकर के 10 करोड़ जो हमारे स्टूडेंट हमारा परिवार हो गया उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और लगभग 30 लाख के इनाम इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लगभग लगभग 11 लाख के इनाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो भी चुके हैं गाइज तो आप क्या करेंगे स्टोर अड्डा पर जाएंगे कुछ भी परचेज करेंगे तो फोर्टी का डिस्काउंट तो वैसे ही मिल जाएगा और उसमें आपको कुछ भी मतलब मिल सकता है कोई कूपन मिल जाएगा और फिर वीकली जो ड्रॉ होगा उसमें रेडमी सेवन मिल सकता है और जो आपका मंथली ड्रॉ होगा उसके अंदर आपका क्या होगा

बीस सेकंड के टाइमर के साथ में तो पहला क्वेश्चन महासंग्राम का आपकी स्क्रीन पर और बीस सेकंड का टाइमर आ रहा है केरला उड़ीसा बताएंगे पेरियार नेशनल पार्क जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर है? केरला, बताएंगे, Park, जो केरला तो यहां पर जल्दी से आंसर नहीं आ रहे सभी लोगों के फटाफट आंसर करिएगा बिल्कुल एकदम फटाफट जल्दी से बिल्कुल एक बार फटाफट से ठीक है तो आगे जल्दी बताएं फटाफट पार्कलामिलनाडु है, केरला, केरला, केरला। तो पार्क है।, है कर्नाटका है केरला है उड़ीसा है इन सबके नेशनल पार्क में डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी ठीक है बिल्कुल पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे कोई डाउट अगर यहां पर हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे आगे चलते नेक्स्ट पर वॉर्सो इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री वॉर्सो किस देश की राजधानी है बता दीजिएगा फटाफट से टाइमर आ चुका है आपके सामने बिल्कुल तो यहां पर पोलैंड घाना कोंगो नीदरलैंड तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि वॉरसो जो है वो किसकी कैपिटल है किसकी कैपिटल है गाइस जल्दी से बताएंगे कई बार मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को आंसर करने वालों इस तरह से आंसर करिए कि टू का A है, टू का B है, टू का ए है 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 बी सी और टू का डी है तो जल्दी से बता देंगे गाइस कहां क्या होगा आप लोगों का आंसर बिल्कुल तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वॉरसो जो कैपिटल है गाइस वो किसकी है पोलैंड की है घाना कोंगो और नीदरलैंड की अभी बताई है घाना कोंगो और नीदरलैंड तीनों की कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए थोड़ा सा हाथ चला लो अभी ठंड नहीं आई है कमेंट नहीं कर रहे ऐसे बैठे होंगे ना पीछे को हाथ करके और देख रहे होंगे फोन में बस ठीक है और सोच रहे होंगे कि कास लिखा जाता खुद से ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा टाइप करना पड़ेगा ठीक है उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट पर तो अगला जो आ रहा है देखो ध्यान से समझिएगा ए ऑप्शन था इसका पोलैंड ठीक है थोड़े दिन पहले ही मैंने सब कुछ पढ़ा रखा था अगला क्वेश्चन द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है जो कहां पर स्थित है गाइस नई दिल्ली में है लखनऊ में है बड़ोदरा में है कि भोपाल में है जल्दी से आंसर करेंगे तीसरे का बहुत अच्छे राधा जी ने बताया नीदरलैंड का एमस्टेम ये भी बताया था मैंने आपको घाना की क्या है अकरा क्या बात है बिल्कुल शैलेंद्र जी जल्दी से बताएंगे एक बार कोंगो की भी बता देंगे फटाफट से बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मोनिका जी देखो मोनिका जी कह रहे हैं नोट्स बनाते है, बहुत अच्छी बात तो गाइस जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है आपकी वो कहां पर है बड़ोदरा में है ध्यान रखेंगे अब रेलवे से ये क्वेश्चन क्या याद आ गया मुझे कि जो भोपाल है भोपाल में जो मेट्रो स्टार्ट होगी उसका नाम राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा राजा भोज के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा कोई डाउट अगर आपको हो तो मुझे जल्दी से बता देंगे फटाफट से कोई भी डाउट अगर आप लोगों को हो तो जल्दी से एक बार बताएंगे फटाफट से ठीक है देखिएगा भूकंप आ गया क्या एक बार जल्दी से बताएंगे फटाफट से कोई अगर डाउट हो किसी को तो जल्दी से बता देंगे फटाफट से जल्दी से एक बार बिल्कुल जी गाइस बिल्कुल देखिएगा ये इसलिए क्योंकि आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे थे ठीक है अब आप लोगों के आंसर आएंगे तभी चौथा क्वेश्चन आएगा ठीक है चौथा क्वेश्चन कब आएगा जब आप लोगों के आंसर आएंगे तो आंसर करिएगा जल्दी से ठीक है बिल्कुल कोंगो प्रैंक क्या बात है तो कोई डाउट अगर किसी को हो तो मुझे जल्दी से बता देंगे फटाफट से ठीक है एक बार जल्दी से बताएंगे बिल्कुल राजा भोज मेट्रो क्या बात है और मध्य प्रदेश में कौन है लाल कमल है ठीक है बिल्कुल राजा भोज राजा भोज राजा भोज ठीक है तो कोई डाउट अगर गाइज हो आप लोगों को तो बता देंगे जल्दी से ठीक है एक बार वीके यादव जो है वो रेलवे बोर्ड के क्या है चेयरमैन है तो गाइज क्लियर है चीजें ओके हाँ जी मिलन यादव जी क्या हो गया आगे चलते फटाफट से फर्स्ट क्लास है सत्येंद्र जी बहुत अच्छी बात है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को आगे चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने द त्रिडोदा थर्मल पावर स्टेशन इज ए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट त्रिरोडा थर्मल पावर रजिस्ट्रेशन किस राज्य में स्थित है एक बार गाइस जल्दी से मुझे बता देंगे कि आंसर क्या होगा आप लोगों का गुजरात उड़ीसा तमिलनाडु महाराष्ट्र तो तो गाइस जैसा कि एक वर्ड आ गया तिरोडा 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 तो आपका कहां पर होगा महाराष्ट्र में होगा सो आंसर इज महाराष्ट्र महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं इक्कीस अक्टूबर से और चौबीस अक्टूबर को क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा महाराष्ट्र के साथ कहां पर होंगे हरियाणा में भी होंगे महाराष्ट्र के नवनियुक्त गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी साहब ध्यान रखिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट में हमारा जो आ जाएगा क्वेश्चन द सेवनटीन ईयर ओल्ड पायल जांगीर अगर मैं बात करूं सत्रह साल की एक लड़की पायल जांगीर जिसको पहली इंडियन मिली है जिस पहली इंडियन बनी है जिसको ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है किसने नवाजा है विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने तो गाइज वो कहाँ की है पायल जांगीर जी जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से पायल जहांगीर जिनको पहली अगर मैं बात करूं आपको ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को तो वो आपकी कहां की है, की है. और राजस्थान के सीएम कौन है अशोक गहलोत हैं और वहां के गवर्नर कौन है कलराज मिश्रा साहब है ध्यान रखेंगे इस चीज को ओके गाइज कोई डाउट अगर किसी को हो तो मुझे बता सकते हैं यहां पर और पंजाब के जो गवर्नर है गाइज वो पी सिंह बदनौर साहब है जो कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी है ध्यान रखेंगे यूटी से याद आया 31 अक्टूबर को जो हमारी यूटी की संख्या नाइन हो जाएगी क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पटेल जी का बर्थडे जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कहलाता है और, 31 को और क्या होगा 31 को जो आपका जो आपके बोरिस जॉनसन साहब है यूके के प्रधानमंत्री उन्होंने क्या कहा है कि ब्रिटेन यूरोप

परीक्षण किया गया है गाइज आंसर करेंगे जल्दी से उड़ीसा केरला और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश और बात करूं तमिलनाडु की तो गाइज इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ जाएगा आंध्र प्रदेश में किया गया है दूसरा MPATGM की फुल फॉर्म क्या है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है DRDO क्या है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है 1958 में आपका DRDO एस्टेब्लिश हुआ था नई दिल्ली हेडक्वार्टर है और जी सतीश रेड्डी के क्या है डीजी है डायरेक्टर जनरल है इस बात को क्या रखेंगे याद रखेंगे आगे चढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन जो कि हमारे महासंग्राम का है बता दीजिएगा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि मैत्री किसके बीच में

ये चीजें आप लोगों को और ये अगर मैं बात करूं हमारे जो बिपिन रावत साहब हैं वो बने हैं किस चीज के चीफ ऑफ जो आपकी अगर मैं बात करूं स्टाफ कमेटी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन है विपिन रावत साहब हैं पहले बी एस धनोआ साहब थे लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद विपिन रावत बन गए जो भी हमारी तीन हैं जैसे आर्मी की मैं बात करूं नेवी की मैं बात करूं और एयर फोर्स की मैं बात करूं तो उसमें जो भी हमारे क्या कहते हैं सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उनको सीओ का चार्ज मिल जाता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चार्ज मिल जाता है तो अभी कौन है विपिन रावत जी हैं दिसंबर में क्या हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे विपिन रावत साहब और पंद्रह जनवरी को हमारा आता है ध्यान दीजिए का आर्मी डे आता है 4 दिसंबर को हमारा आने वाला है नेवी डे और हमारा एयर फोर्स डे गाइस अभी गया है 87th एयर फोर्स डे था हमारा ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए आगे चलते हैं 8th का वर्ल्ड कोकोनेट डे जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है की थीम क्या थी वर्ल्ड कोकोनट डे जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है की थीम क्या थी कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस कोकोनट फॉर फैमिली न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस या फिर कोकोनट फॉर हेल्दी लाइफ कोकोनट फॉर गुड हेल्थ वेल्थ एंड वेलनेस तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा यहां पर तो देखिएगा रिप्लाई करिएगा सभी लोग फटाफट से बिल्कुल सीए का महासंग्राम है ये यहां पर आंसर आ जाएगा ए कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस ओके ध्यान रखिएगा इस चीज को गाइज नेक्स्ट पर चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा विच आइकोनिक प्लेस

आज का लास्ट क्वेश्चन है सीए के महासंग्राम का गाइस आप लोग साथ दोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे इसको तो मैं सीए के महासंग्राम में 20 क्वेश्चन कर दूंगा जैसा कि मेरा प्लान भी है ठीक है है वेयर इज द ऑफ ग्लोबल ग्लोबल टाइगर टाइगर फोरम फोरम तो तो का मुख्यालय कहां पर पर नई दिल्ली अहमदाबाद नैनीताल देहरादून तो यहां पर इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है इस बात को क्या रखेंगे याद रखेंगे बिल्कुल तो यहां पर टेंथ का जो आंसर आ जाएगा वो नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली आगे चलते हैं गाइज जो आज का मैं एक बार होमवर्क आप लोगों से डिस्कस कर देते

ध्यान रखिएगा और जो लोग नए थे वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो यहां पर, पर मेहनत कर रहा हूं बस आपको शेयर करना है और लाइक करना है चीजों को और बाकी हर जगह मतलब क्या बता रहे है? लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना है चीजों के लिए चीजें समझ में आई तो एक बार बता दीजिएगा फटाफट से जल्दी से कमेंट करेंगे अगर चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है कैसा रहा सेशन एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट से सभी लोग बिल्कुल मोस्ट वेलकम आरती जी यहां पर सेशन कैसा रहा एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे उसके बाद विदा लेंगे कल वापस मिलेंगे सात बजे ध्यान रखिएगा थैंक यू सो मच मोनिका गौतम जी थैंक यू पंकज थैंक यू मालती तो बिल्कुल आप लोग सब बढ़िया हैं किसी को कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड तो कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आ जाएगा बिल्कुल थैंक यू कल्पना देवी जी थैंक यू सो मच दीपा जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सभी लोगों का आप लोगों का तो गाइज देखिएगा सेशन आपका एकदम मतलब जो अगर आपको लग रहा है कि हाँ बाकी जेन्यून एफर्ट है तो इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि कल हमारे बच्चे कम से कम 100 हो तो गाइस चलते हैं ध्यान रखिएगा अच्छे से पढ़िएगा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी क्यों क्योंकि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है लक्ष्य हम लेकर के ही रहेंगे तो तब तक हम चलते हैं बाय-बाय हैव अ नाइस nice डे जय हिंद जय भारत